900 का एसेस, 800 तक एसेस में आपने इंडिया की हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ पढ़ रखा है ना। 9th स्टैंडर्ड में अब हम पहले यूनिट वन में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हिस्ट्री रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो जो 7 चैप्टर्स है, सबसे पहले यूनिट वन में हमें क्या पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाद में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। यूनिट नंबर 1, 20th सेंचुरी द वर्ल्ड एंड इंडिया। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड कौन सी पोजिशन पे है, इंडिया कौन सी पोजिशन में, ये सब कुछ हम इस यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देती हूँ, फिर चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। 9th स्टैंडर्ड की एसएस की टेक्स्ट बुक ही खरीदनी है और कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 1, 20th सेंचुरी द वर्ल्ड एंड इंडिया। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द वर्ल्ड विटनेस द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च एंड प्रोग्रेस मेड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या बोला है कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द वर्ल्ड विटनेस द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च एंड प्रोग्रेस मेड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के अलग अलग फील्ड में, जैसे कि साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वॉट एवर, ठीक है, अलग अलग ह्यूमन के फील्ड्स में, फिर वो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, ठीक है। तो ह्यूमन के अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग रिसर्च एंड प्रोग्रेस हुआ, उन सबका रिजल्ट हमने 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेके 1901, ठीक है। 20th सेंचुरी मतलब कि ईयर, 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, ईयर 1901 से लेके 2000, इसे हम बोलेंगे 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इनके बीच में अलग अलग रिसर्चेस बहुत हुई और उनकी वजह से ह्यूमन लाइफ में प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा हुआ। एक्टिविटी ऑफ कॉलोनियलिज्म दैट स्प्रेड इन एशिया एंड अफ्रीका क्रिएटेड एनमिटी अमोंग द यूरोपियन पावर्स इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग कॉलोनीज एंड दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब कि बाकी सारे देशों पर रूल करना, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड था, वो वर्ल्ड के बाकी सारे देशों पर, कंट्रीज पर क्या करना चाहता था, रूल करना चाहता था, रूल करके उसे अपने हिसाब से ढालना चाहता था। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो लॉकडाउन करके वहाँ के लोगों को एज अ वर्कर यूज करके अपनी संपत्ति बढ़ा, बस वो करना चाहता था ना। हमें 1947 में हमें उससे आज़ादी मिली थी, तो हमें पता ही है, 9th स्टैंडर्ड तक की हिस्ट्री में बहुत सब कुछ हमने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश है वो वर्ल्ड के बाकी सारे एशिया और अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में अपना पावर चलाना चाहता था, और उसी की वजह से एंड दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर वन में रिजल्ट उसका आया, उसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर वन हुआ। रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया एंड द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, इटली, स्पेन एटसेट्रा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, रशिया में क्या हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। लोगों ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया कि हमें आपकी सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा देश आजाद चाहिए, ये हुआ। फिर क्या हुआ, द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जर्मनी में भी अलग अलग, जर्मनी में हिटलर था उसके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया, इटली में, स्पेन में, सब जगह ये सब स्टार्ट हो गया। एंड वर्ल्ड वॉर टू, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन हुआ, सॉरी वर्ल्ड वन, वो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वो खत्म हुआ, तो अलग अलग देशों में ऐसे सारे सारे अलग अलग क्या हो गए, रिवॉल्यूशंस होने लगे, थोड़े ही सालों में फिर से वर्ल्ड वॉर टू भी हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू स्टेप बाय स्टेप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। द डिजायर फॉर कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म by the use of atomic and other destructive weapons had shaken the entire world. Colonialism and imperialism मतलब कि उन लोगों को अपने ढांचे में ढालना और उन पर राज करना, imperialism मतलब कि उन पर राज करना, ठीक है। इंग्लैंड की ये सारी नीति की वजह से वर्ल्ड वॉर हुए जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ, ठीक है। ये सारे वेपन्स जो यूज हुए, अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड हिल गया था, ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा सब कुछ पहले लोगों ने नहीं देखा था।
देखा था तो पहले राजा महाराजाओं के वक्त में वो तलवार से लड़ा करते थे, फिर बंदूकें आई वहां तक ठीक था, ठीक है, पर ये न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो लोग डर गए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमें पता ही है जापान का हिरोशिमा एंड नागासाकी, अमेरिका ने जापान पे डाला था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, ठीक है, वो हमें पता ही है। तो वहां से वो शुरुआत हुई थी। नाउ ऑफ कोर्स द डिजायर फॉर पीस एंड सेफ्टी मैनिफेस्टेड इन हार्ट्स ऑफ मैनकाइंड गिव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशंस। ऑफ कोर्स ये सारी चीजों में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो पीस चाहती, शांति चाहती थी कि नहीं ऐसा कुछ करना ही नहीं, ये शांति थे, शांति से जियो और दूसरों को भी जीने दो। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो ये चाहती थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस का डेवलप हुआ। यूनाइटेड नेशंस मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज का एक जूथ है, बहुत सारी कंट्रीज यूनाइटेड होके उसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मसलों पर हल कर रही है, ठीक है। जैसे कि अगर दो कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो सारी कंट्रीज मिलके उनका बैठ के बातें करके इजीली कौन सा आसान सा तरीका प्रॉब्लम निपट सकती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वॉर किए बगैर शांति से कैसे वो निपटाया जाता है, ये सब कुछ यूनाइटेड नेशंस के अंडर में होता है, ठीक है। तो नाउ जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे यूएन, ठीक है, द रेस ऑफ एक्सपांडिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस दैट कंटिन्यूड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत रशिया रिजल्टेड इन द कोल्ड वॉर, ठीक है। क्या है द रेस ऑफ एक्सपांडिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोवियत रशिया, जिसे हम सिर्फ अभी रशिया बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में अपना अपना पावर चलाने के, मतलब वो राज नहीं करना चाहते थे दूसरी कंट्रीज पे, पर वो ऐसा सोच रहे थे कि हमारा जो कल्चर है, हम जो चीजें बनाते हैं वो लोग वो यूज करें, ठीक है, हमारा प्रभुत्व हो, राज नहीं करेंगे हम, अपनी कंट्री में ही रहेंगे, वहां पे जाके लोगों को हैरान परेशान नहीं करेंगे, बट हमारी जो चीजें हैं वो लोग यूज करें, जैसे कि हम राज करते हो वैसा ही कुछ, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में इसके बीच में क्या होगी, खिंचातान होने लगी, जो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हुआ। कोल्ड वॉर का मतलब कि जैसे वॉर होता है कि गन तो वगैरह लेके झगड़ा करना, वो नहीं, युद्ध नहीं, ठीक है। कोल्ड वॉर मतलब कि एक दूसरे की कंट्री के साथ एक साथ बिजनेस करना बंद हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, वो दोनों कंट्रीज एक साथ वहां के लोग कहीं भी इकट्ठा ना होना हो, जैसे कि बड़े बड़े लोग, एक कंट्री के पीएम है रशिया के और यूएस के पीएम कभी एक साथ नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है, जिससे दूसरे नेशंस को कोई हानि नहीं पहुंची, ठीक है। देयर वेर टू सेंटर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, वॉशिंगटन डीसी एंड मॉस्को, ऐसे कोल्ड वॉर के दो सेंटर्स है, वॉशिंगटन डीसी एंड मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी आया है अमेरिका में एंड मॉस्को है रशिया में, ठीक है, तो ये दोनों थे उसके सेंटर्स। एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म दैट अरोज फ्रॉम पीपल्स प्राइड डिवाइडेड पावरफुल रशिया द वॉल ऑफ बर्लिन वॉज डिमोलिश्ड एंड अचीव्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के एंड में क्या होता है कि द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म दैट रोज फ्रॉम पीपल्स प्राइड, ठीक है, लोग ये नहीं चाहते थे, हाँ कंट्रीज के जो रूलर्स होते हैं वो ये चाहते थे, ठीक है, बट लोग नहीं चाहते थे, लोग शांति चाहते थे कि कोल्ड वॉर भी नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया के लोग शांति से रहना चाहिए, लोगों के अंदर से ही आवाज आती है। फिर उन लोगों ने अपने जो रूलर्स थे उसके ऊपर हावी होना शुरू किया कि आप ऐसा मत करो, हम शांति से रहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म उनके अंदर से बाहर आने लगा, दे डिवाइडेड पावरफुल रशिया, उसने पावरफुल रशिया को डिवाइड कर दिया, जैसे कि इंडिया डिवाइड हुआ था पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा मतलब कि बांग्लादेश, इन सब में जो डिवाइड हुआ वैसे रशिया भी अलग अलग कंट्रीज में फिर डिवाइड हो गया। द वॉल ऑफ बर्लिन वॉज डिमोलिश्ड, जैसे वॉल ऑफ चाइना आपको पता है वैसे रशिया में भी है वॉल ऑफ बर्लिन, वो डिमोलिश हो गई, लोगों ने तोड़ दी, ठीक है। एंड अचीव्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अचीव्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब कि जर्मनी भी अपने आप से आजाद हो गया, जर्मनी पे भी पहले दूसरी कंट्रीज का रूल था जैसे हम पर इंग्लैंड का था वैसे ही, ठीक है ना। दीज वेर अनएक्सपेक्टेड एंड थ्रिलिंग इवेंट्स, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। हाउएवर द सडन फ्लश ऑफ कम्युनिज्म
कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, सडन फ्लश ऑफ कम्युनिज्म कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, मतलब कि लोग धर्म जाति में बहस करने लगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना, मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़ा झगड़ा होता है, वैसा उनके वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं पर अलग अलग धर्म के लोग तो होंगे ना, तो उनके बीच में कम्युनिज्म होने लगा, मतलब कि उन लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगा। ये शांति तो चली गई, चलो कोल्ड वॉर का तो खत्म हो गया, बट नया पॉइंट आया तो ठीक है ना। However, the sudden flush of communism could not be prevented. European and Asian countries, including China, came under its influence. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उसमें चाइना भी आ गया। Oh, some part of the world was colored in red. Yes, this is only one side of world politics. वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज कलर वॉज कलर्ड इन रेड, मतलब कि बहुत सारे युद्ध भी हुए, वॉर भी हुए, लोगों का खून बहा, इसीलिए बोलते हैं कि वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज कलर्ड इन रेड। ठीक है, यस दिस इज ओनली वन साइड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का एक ही पार्ट है। पॉलिटिक्स तो इसमें बहुत ज्यादा है, इससे भी बहुत ज्यादा है, ये सोच जो झगड़े है वोर वगैरह हमने देखा वो पॉलिटिक्स का एक ही भाग है, अभी बहुत सारा पॉलिटिक्स को बाकी ही है। ठीक है ना, द सेकेंड साइड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो मच स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड इट इज एविडेंट इन द मूवमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म दैट हैज स्प्रेड इन एशिया अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लिबरलिज्म मतलब कि अब हर एक कंट्रीज, इंग्लैंड है ना वो बहुत कंट्रीज पे राज करता था, तो ये लिबरलिज्म मतलब कि अपनी ही सत्ता होना देश पे, दूसरी कंट्रीज की सत्ता हम नहीं मानेंगे, मतलब कि हमें आजाद होना है, ये स्प्रेड होने लगा बहुत ज्यादा बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, लोग अब दूसरी कंट्रीज का रूल अपने ऊपर चाहते नहीं थे, ये पॉलिटिक्स का सेकेंड साइड है। This movement gave rise to fight for nationalism and freedom in many countries, including India. इसकी वजह से nationalism मतलब कि लोगों में देशभक्ति आने लगी और fight for freedom आजादी के लिए लड़ाई करना शुरू हो गया, उसके साथ साथ इंडिया भी उसमें आता है। It created and developed such a systematic spirit of newer aspects of all round sacrifice for achieving national independence that is that it inspired and encouraged Asian and African countries. इसकी वजह से लोगों में इतनी सारी nationalism मतलब कि देशभक्ति आने लगी कि लोग अब ये चाहते थे कि हमारे लोग रहेंगे तो हमारी सत्ता के अंदर रहेंगे ताकि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, वो हमारी सत्ता में अच्छे से रह सके। हाँ सत्ता होनी चाहिए हमारी, पर हम उस पे धोप जमाना नहीं चाहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा करने के लिए, क्योंकि दूसरी कंट्री से वो हम पर रूल करेगी तो वो हमारे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी, वो सिर्फ अपना ही सोचेगी, यहाँ से सिर्फ पैसे ले जाने के बारे में ही सोचेगी, भले ही हमारी कंट्री पुअर हो जाए, हमारे लोग भूखे मर जाए, वो लोग ऐसा सोचते थे। जब नेशनलिज्म देशभक्ति लोगों में आई, लोगों फ्रीडम के लिए लड़ने लगे, तब लोगों में ये सोच आई कि हम साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमारे देश की ही सत्ता हम पर होगी तो हमारा देश प्रॉस्परस बनेगा, वेल्थी बनेगा, हमारे लोग अच्छे से ढंग से रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। ठीक है, ये उन लोगों में ज्यादा संचार होने लगा तो वो फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे। ठीक है ना, दिस यूनिट describes the Indian national struggle which created such an image wherein the north, south, the east, west, young and old, men and women were made enthusiastic participants and this contributed towards a glorious history. ठीक है, इस यूनिट में हिस्ट्री का ये जो यूनिट वन है हमारा 20th century the world and India, उसमें हमारे नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, बच्चे से लेकर बूढ़े, जेंट्स से लेकर फीमेल, सबके अंदर एक नेशनलिज्म का इतना पावर जगा दिया कि अब वो लोग आजादी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, एक स्पिरिट आ गई उन लोगों के अंदर, नहीं अब तो हमें अंग्रेजों से आजाद होना ही है, सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और उसकी वजह से वर्ल्ड में एक ग्लोरियस हिस्ट्री लिखी गई कि इंडिया ने कैसे फ्रीडम के लिए फाइट किया और कैसे उनको फ्रीडम मिला। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इवेंट्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज हु फॉर और फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर मदरलैंड एंड एक्सेप्टेड मार्टियरडम विच विल इंक्लूड सेल्फ रेस्पेक्ट
पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म अमोंग चिल्ड्रन, उसकी वजह से इंक्लूड्स इवेंट्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर मदरलैंड। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की इसमें मौत भी हुई, क्योंकि लड़ाई कोई भी शांति से नहीं होती, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चाहिए तो कुछ गुमाना भी पड़ता है, ऐसे ही शांति से घर पे बैठकर सब कुछ हाथ में नहीं आ जाता। ठीक है, तो उन लोगों ने फाइट की, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति लोगों में लाने की कोशिश की, वो लड़े, उनकी मौत भी हुई देश के लिए, वो शहीद भी हो गए, मार्टियर्ड। ठीक है, देश के लिए वो शहीद भी हो गए, और उनके उदाहरण दे दे के आज के जो चिल्ड्रन है उन्हें उसमें से प्रेरणा मिलती है कि हमारी कंट्री के लिए हमारे देशभक्तों ने, शहीदों ने क्या क्या किया है, अपनी जान तक गवा दी, अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। भगत सिंह के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, है ना, तो ऐसे थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए कुछ करके गए। आज हम इतनी आसानी से इजीली फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इससे। अगर वो लोग तब हमारे लिए नहीं लड़े होते तो आज भी शायद हम इंग्लैंड के नीचे होते, और जिस फ्रीडम से हम जी रहे हैं वो हम नहीं जी पाए। तो हमारी ये जो हम आराम की लाइफ जी रहे हैं ना, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, नाउ नेसेसरी मैप्स एंड पिक्चर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू क्लेरिफाई द राइट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज बीन, हाँ, नेसेसरी मैप्स एंड पिक्चर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू क्लेरिफाई द राइट ऑफ। ठीक है, तब क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ये सब कुछ किसी ने लिखा होगा जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट विद द एम दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ डिस्कवरीज मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, हमारी ये हिस्ट्री के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा अचीवमेंट हुए है वो भी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इंडिया में आगे आगे बढ़ता गया वो भी हम पढ़ेंगे, ताकि वो समझ के कुछ हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस जितना अवेलेबल था उस हिसाब से प्रोग्रेस होती गई। हमें पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके उदाहरण लेके हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उससे भी बहुत अच्छा कर पाए, इसी आशा के साथ ये सब कुछ आगे चला जा रहा है। वी हैव अचीव्ड द कैपेसिटी एंड इफिशियंसी वेयर बाय वी कैन प्रोवाइड एबल लीडरशिप बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस दैट वी हैव अचीव्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी। The internal and emotional integration as well as the responsibility we have taken up for the all-around development of the nation. We have achieved the capacity and efficiency whereby we can provide the leaders. ठीक है, हमें हमारे मार्टियर्स, हमारे शहीद जो हमारे लिए लड़े हैं, उसकी वजह से आज जो हमें आज़ादी मिली है उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी एंड इफिशियंसी बढ़ती ही जा रही है, इंडिया आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। जो आज़ादी हमें ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से मिली थी, उसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। द इंटरनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन एज वेल एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टेकन अप फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन बढ़ती जा रही है, इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इंटरनल मतलब कि कंट्री के लिए कुछ करो, इमोशनल अगर कुछ को किसी को कुछ होता हुआ देखो तो उसकी मदद करो। ठीक है, बेदिल मत रहो। ठीक है, ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, और हमें एक नेशनलिज्म, देशभक्ति आ रही है कि हमारे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। ये सब कुछ हम इस यूनिट वन में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैंने अभी बोला ना कि हमारी कंट्री पे इंग्लैंड का वर्चस्व था, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट आके इंग्लैंड हमारे ऊपर रूल तो नहीं करना होकर रहा करने लगा होगा ब्रिटिशर्स आगे। ठीक है, धीरे 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 वो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ डिटेल में हम इस चैप्टर नंबर वन में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजिशन इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक
कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस सिंस द एंशियंट पीरियड। मतलब ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, अलग अलग कंट्रीज के लोग हमारी कंट्रीज में आए कुछ बिजनेस करने के मतलब से, यहाँ पे रहने पे सेटल होने के मतलब से, इसके पहले की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी दूसरी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हुए उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो ये एंशियंट टाइम है जो इंडिया है हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजिशन। ठीक है, हमारी कोई कंपेरिजन ही नहीं थी इंडिया की, इतना इंडिया इकोनॉमिकली वेल्थी था, सब लोग साथ में रहते थे, सबके बीच में प्रेम था, ठीक है, जिसकी दूसरे कंट्रीज के साथ कोई कंपेरिजन ही नहीं हो सकती। बोलते हैं ना कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थी था हमारा देश, प्रॉस्परस था। ठीक है, बट वो सब कुछ हमारे राजाओं, जो हमें ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे राजा, ठीक है, बहुत कम ऐसे राजा थे तो जो बेवकूफ थे, ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए और उनकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। ठीक है, वैसे सिर्फ 3 या 4% हो गए, बाकी सारे जो थे वो हमें आजादी भी दिलाई है बहुत सारों। ठीक है ना, ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। ठीक है, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिकली और कल्चरली इंडिया में देख के दूसरे कंट्रीज के लोग भी इंडिया में आने लगे। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पीसीज मुस्लिन सिल्क क्लोथ इंडिगो एटसेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया में बना हुआ स्पाइसीज मतलब मसाले, मुस्लिन सिल्क क्लोथ इंडिगो, इन सबकी यूरोप में बहुत ज्यादा तब मांग थी, ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया में बनती थी, तो यूरोप में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरीड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट एंड एट द सेंटर ऑफ दीज रूट वॉज इस्तानबुल दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की। ठीक है, ये सारी चीजें बिजनेस करने के लिए, ऑब्वियसली इंडिया में से ये सारी चीजें जब यूरोप में जाती होगी तो ये बिजनेस के लिए कोई रूट तो होगा ना, तो लैंड का रूट और सी का रूट अवेलेबल था, जिसके लिए एक सेंटर पॉइंट था, जिसके लिए क्या था, सेंटर पॉइंट था, कौन सा था, अभी तुर्की में जो इस्तानबुल है ना, तब का वो कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। ठीक है, अब वो इंडिया में तुर्की में इस्तानबुल है, वो तब का बिजनेस का क्या था, सेंटर पॉइंट था, लैंड रूट के लिए भी और सी रूट के लिए भी। ठीक है ना, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय तुर्किश मुस्लिम्स द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल दैट इज इस्तानबुल वॉज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस। फिर कुछ झगड़ा हुआ होगा, ठीक है, कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय तुर्किश मुस्लिम्स, तुर्किश के टर्की के जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने ये इस्तानबुल मतलब कि तब का कॉन्स्टेंटिनोपल पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य बना लिया 1453 AD। जैसे ये 1901 है वैसे 1453 की साल में इन लोगों ने वहां पे अपना राज कर लिया और इंग्लैंड को इंडिया से कुछ भी चीज बिजनेस करने के लिए ये बंद हो गया, तो अब इंग्लैंड को दूसरे सेंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। ठीक है, उनको अब हमारी चीजों के बिना तो चलता नहीं था, ठीक है, हमारे मसाले वगैरह हमारे सिल्क क्लोथ वगैरह इनके बिना तो वो लोग रह नहीं पाते थे, जरूरत ही थी, तो अब इन सारी चीजों के लिए उन्हें नया सी रूट ढूंढने की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, सो इन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगिन, उसकी मदद से एक जियोग्राफिकल डिस्कवरी का एरा मतलब कि थोड़ा वक्त स्टार्ट हुआ कि लोग अब इंडिया इंग्लैंड से इंडिया और इंडिया से इंग्लैंड जाने के लिए सी रूट ढूंढना चालू कर दिया लोगों ने। ठीक है कि चलो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल मतलब कि अब अभी का जो इस्तानबुल है वो तो बंद हो गया सेंटर के लिए, तो अब कोई नया रूट ढूंढने की जरूरत पड़ी, तो नए नए इंग्लैंड टू इंडिया इंडिया टू इंग्लैंड के सी रूट अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए नए नए सी रूट की डिस्कवरी होने। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, ये डिस्कवरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।